आर्क जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में गिवन है हमें, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री गिवन है. सो लेट अस मेक द रफ फिगर. ये हमने एंगल सी ले लिया, दिस इज बी, दिस इज ए एंड डी. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने इनको लिख लिया. इधर इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज योर विश. अब ए बी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 90 डिग्री. बी सी इज 12 मीटर, दिस इज मीटर. सी डी इज 5 मीटर एंड ए डी इज 8 मीटर. वी आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन हाउ मच एरिया इज इट ऑक्यूपाइंग. ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन में सेम फिगर के साथ दे कैन आस्क फॉर कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर पोर्शन फॉर्म्ड बाय द साइड्स कंटेनिंग द 90 डिग्री एंगल. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके सिलेबस में से डिलीटेड है. सो इसमें जो है हमें, क्योंकि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फाइंड आउट करके उनको एड करना है, तो क्वाड्रिलेटरल डिलीटेड होने के कारण दिस क्वेश्चन कैन कम एज सेम. आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, आपका वैसे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्क और फिगर वट एवर इज इट. तो उसमें आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से मोल्ड करके आ सकता है कि फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. तो उसमें आपको सिर्फ इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना होगा, एंड दैट टू यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला. क्वेश्चन में ये मेंशन होगा. हालांकि यहाँ पे आपको हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड भी लगा सकते हो, बट इफ इट इज मेंशनड इन द क्वेश्चन दैट यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला यू आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कंटेनिंग द 90 डिग्री एंगल, सो एट दैट मोमेंट यू आर टू फाइंड आउट द एरिया यूजिंग द हिरोन्स फॉर्मूला. फिलहाल जो आपका बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड, हाउ मच डज एरिया डज इट ऑक्यूपाई. तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स में हमने इसको ले लिया, नेम दे दिया इसको ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू. यहाँ पे इस वाले में आपका जो है कुछ भी नहीं गिवन है कि एंगल क्या है या किस टाइप का ये ट्राइंगल है. तो इट मीन्स दो साइड्स हमें गिवन है. अगर हम इसकी ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं तो यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला हम इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर दिस ट्राइंगल यू कैन डायरेक्टली यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. बट क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में मुझे हिरोन्स फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास एरिया कैलकुलेट करने की, सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस बी डी. तो ये बी डी कैलकुलेट करना है हमने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी 90 डिग्री. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नाइंटी के अपोजिट दिस बी डी विल बी द हाइपो. तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169. 144 प्लस 25 दैट इज 169. सो बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर. सो बी डी साइड, ये जो साइड है मेरे पास ये आ गई 13 मीटर. अब एरिया निकालना है मुझे गिवन फिगर का. तो दैट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. इसको मैंने इक्वेशन वन ले लिया. मैं दोनों के एरियाज जो हैं वो अलग अलग कैलकुलेट करूंगी एंड देन आई विल पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. सो एरिया ए बी डी यहाँ पे हम यूज करेंगे हिरोन्स फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर. एस इज इक्वल टू लेट दिस साइड बी ए, दिस बी बी एंड दिस बी सी. तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू दैट इज 8 प्लस 3 प्लस 13 बाय 2. सो दिस इज 11 13 24 बाय 2 दैट इज 12. आपके पास एस की वैल्यू आ गई 12. अब आपने क्या करना है, यू आर टू फाइंड द
एरिया यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला. तो हीरोन फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे. दिस इज ए इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए. सो 12 जस्ट अ मोमेंट. यहाँ पे दिस इज 15 8 3. यहाँ पे साइड बचे 3 नहीं है आपके. दिस इज गिवन टू बी 9. मैंने यहाँ जहाँ 3 लिखा है क्योंकि अदरवाइज ये 12 आपका 13 से जो है छोटा हो रहा है. तो मेक द करेक्शन ओवर हियर. दिस इज 9 नॉट 3. सो दिस इज 9 8 17. यस बच्चे actually I have joined a little bit late ma'am. Can you tell ma'am what have we done? Ashmit, just a moment bache, just a moment. Hum question number 1 isme hame given hai a park is in the shape of a quadrilateral ABCD and angle C jo hai isme 90 degree given hai. Aapko sides given hai and you are to find that how much area does it occupy. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको दो ट्राइंगल्स में बीडी को ज्वाइन किया. ये दो ट्राइंगल्स बन गई. नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स एंड वी विल ऐड दैट एरिया. तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा. ये फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है, आई कैन डायरेक्टली यूज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. बट फॉर दिस ट्राइंगल आई एम गिवन द टू साइड्स और मुझे और कोई कंडीशन गिवन नहीं है. और ये इसका जो है एल्टीट्यूड भी गिवन नहीं है. तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड आपका फॉर्मूला नहीं लग सकता है. सो फॉर दैट मैंने क्या किया, दो साइड्स मुझे गिवन थी. थर्ड साइड यूजिंग दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने थर्ड साइड निकाल ली. अब इस ट्राइंगल में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला. सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया 8 + 9 + 13/2 दैट इज 15. यहाँ मुझे कैसे पता लगा कि मैंने जो वैल्यू है वो गलत नोट डाउन की है, कि मैंने जो पहले वैल्यू ली थी 9 की जगह 3, उससे आपका ये जो पेरीमीटर है वो 12 आ रहा था. पेरीमीटर की वैल्यू साइड की वैल्यू से लेस आ रही थी. तो मुझे वहां से पता लगा कि मैंने स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग जो है नोट की है, कॉपी की है. तो यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस. अब 15 है यहाँ पे. तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अब ये वैल्यूज आप सिंप्लीफाई कर लो. 15 इंटू दिस इज 7, दिस इज 6 एंड दिस इज 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट योर आंसर. रूट में ही आपका आंसर आएगा ये. सो दिस विल बी 1260. तो यू कैन यूज दैट. ये आ गया मेरे पास 35.5 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हम निकाल लेंगे. दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. अश्मित म्यूट कर लो बच्चे अपने आप को. मैंने ऑप्शन दी हुई है. लेटर ऑन इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट तो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर डाउट. सो दिस एरिया इज फाउंड टू बी 30 मीटर स्क्वायर. अब यूजिंग वन एरिया ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू दिस 35.5 प्लस दिस 30 that is 65.5 meter square. So this is the area of the quadrilateral. Is the board clearly visible? Yes, ma'am. So this is your answer, 65.5 meter square. After this, moving on to question number 2.
Find the area of the quadrilateral in which AB is 3 cm, BC is 4 cm, CD is 4 cm, DA is 5 cm, and AC is 5 cm. Ab, second question may be we are given the quadrilateral. Or ab us quadrilateral mein if you see, to hume 4 sides and 1 diagonal is given. So again, using Heron's formula, you can calculate the area. So this you will do yourself. I'm just giving you the hint. आपको एक ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी एंड डी. ए सी हमें गिवन है तो ज्वाइन ऐसे करना. इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग इट इन दिस वे हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना. अब साइड देखो क्या क्या गिवन है. ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4, सी डी 4, DA 5 and AC. AC भी आपको 5 गिवन है. तो एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है. इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. दोनों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. जस्ट करन, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज डोंट म्यूट, अनम्यूट योर सेल्फ. अगर कोई डाउट है देन ओनली अनम्यूट योर सेल्फ. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड को क्रॉस कर दो. थर्ड क्वेश्चन यू नीड, थर्ड क्वेश्चन क्रॉस कर लो बुक में. ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है आपका थ्री ट्राइंगल्स तो यूज हो रही हैं, बट दो क्वाड्रिलेटरल्स आ गए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिलीटेड पार्ट है. सो यू कैन डिलीट दिस क्वेश्चन, यू नीड नॉट डू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम जो है उनका बेस सेम है और एरिया भी दोनों का सेम हमें गिवन है. और जो है हमें साइड गिवन है ट्राइंगल की 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है 26, 28 एंड 30. And the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Parallelogram जो है वो base 28 centimeter पे है. So we are to find the height of the parallelogram. So figure you can make. Triangle की सभी sides हमें given है और जो parallelogram है वो हमें given है कि जिस triangle के जिस side की length 28 centimeter है, parallelogram उस पे given है. तो ये हमने 28 centimeter base ले लिया. उसके बाद हमें गिवन है जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. दे स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ये फिगर आप इस तरीके से बना लीजिएगा. तो ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हो गई. अब इनकी हम नेमिंग कर देंगे. थर्टी सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर ये ट्राइंगल की साइड है. ये चीज हमें गिवन. उसके बाद वो कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है दैट इज ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर. और कंडीशन क्या गिवन है, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया. ये हमने सेम बेस कर दिया, एरिया दोनों का सेम है, यानी कि एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको तीन साइड्स गिवन है. यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यू आर टू फाइंड द एरिया. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको जो फॉर्मूला है वो पता है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू बेस इनटू हाइट. हाफ नहीं आता पैरेललोग्राम में, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. तो बेस इसका हमें गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आप निकाल लोगे.
So that is S into S minus A, S minus B, S minus C. मैंने दोनों तरफ एरियाज के फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, अब इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से हम ए बी सी सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, so that is given by 26 plus 28 plus 30 by 2, that is 84 by 2 means 42. So semi perimeter aa gaya 42 cm. Now we are to find the area of the triangle, so that is given by S into S minus A, S minus B, S minus C. So 42 into 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30. So 42 into, this will be 16, 14 and 12. सिक्सटीन को फोर इंटू फोर लिख लिया, फोर्टीन को सेवन इंटू टू लिख लिया, ट्वेल्व को सिक्स इंटू टू लिख लिया। अब देखो सेवन ये भी है, ये भी है, रूट से बाहर आएगा, इट विल बी रिटन सिंगल टाइम। सिक्स यहाँ पे है, सिक्स यहाँ पे है, अगेन इट विल बी रिटन सिंगल टाइम। फोर रूट से बाहर आके सिंगल टाइम, टू रूट से बाहर आके सिंगल टाइम। सो दिस इज 336 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 336 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर वन में, so using one base 28 centimeter, height of parallelogram हमने निकालनी है, this is equal to the area of the triangle that we have calculated as 336, so put the values and get your answer. So height is equal to 336 upon 28, this is centimeter, so answer is height of the parallelogram is 12 centimeter. So first of all hame condition given thi that area of parallelogram is equal to area of the triangle, they are having the same base and same area, to humne dono areas equate kar diye. Idhar figure humne is tarike se bana li ki jo hamari triangle hai aur jo ye parallelogram ban raha hai dono ka base same banega. Uske baad humne concept jo diya tha hame ki areas equal hai, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया बेस इनटू हाइट, और इधर हिरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। फिर इसमें आपने वैल्यू पुट की, बेस इसका हमें 28 गिवन था, तो 28 इनटू हाइट इज इक्वल टू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 336 कैलकुलेट किया है। फ्रॉम हियर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट एज हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. एक फील्ड है जिसकी शेप रोम्बस गिवन है, उसमें जो है इतनी ग्रास है कि 18 cows जो है उसको ग्रेज कर सकती हैं। If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field each cow will be getting? तो आप देखो जो रोम्बस है, रोम्बस से क्या होगा, जो जब आप इसके डायगनल को लेके चलोगे रोम्बस को, तो इट विल डिवाइड द रोम्बस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि दैट इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो डायगनल होता है वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो आई हैव टेकन दिस रोम्बस, ये मैंने रोम्बस बना लिया। अब इसमें मुझे क्या गिवन है, ऑल द साइड्स आर 30 मीटर, एंड द
longer diagonal is 48 meter. इनमें से एक डायगनल मान लो ये वाला मैंने ले लिया कि longer है, तो this is given to be 48 meter. How much area of grass field will each cow be grazing? पहले हम ये देख लेंगे कि टोटल कितना एरिया है इसका रोम्बस का. अब ये टोटल जितना एरिया है ये दो ट्राइंगल्स आपकी बन रही हैं. अगर मैं ये वाला डायगनल रिमूव कर दूं तो फिगर विल बी मोर क्लियर टू यू. नाउ यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट इज दिस ट्राइंगल, सेकेंड इज दिस ट्राइंगल. फर्स्ट ट्राइंगल इज हैविंग द साइड्स एज 30, 30 एंड 48. सेकेंड ट्राइंगल ऑल्सो हैविंग द सेम साइड्स 30, 30 एंड 48. तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर एड कर देंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस रोम्बस. यानी कि इस एरिया में 18 काउज जो है वो ग्रेज कर सकते हैं. अब उसने क्या कहा, हाउ मच एरिया इज ग्रेज्ड बाय ईच काउ. तो जो इसका एरिया निकलेगा डिवाइड दैट बाय 18, तो यू विल गेट द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 काउ. तो पहले ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, सेम है ये तो उसका डबल कर दोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द रोम्बस. सो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यू आर टू नेम दिस रोम्बस. ए बी सी डी हमने इसको नेम दे दिया. सो अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे, लेट ए बी सी डी बी द गिवन रोम्बस शेप्ड फील्ड. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. So for area of triangle ABC, BD. A हमें given है 30, B is also 30, meters में है साइड ये, and C is 48. So first of all we are to find the semi perimeter. 30 plus 30 60 plus 48 108 by 2, that is 54. अब हीरोन्स फॉर्मूला हमने यूज करना है. सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी बी, एस इंटू एस माइनस ए, 54 इंटू 54 माइनस ए इज 30, बी इज ऑल्सो 30 एंड सी इज 48. सो दिस इज इक्वल टू 54 इंटू 14 इंटू 14 24 into 6. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट योर वैल्यू एज 432. ये आपका 24 बाहर आ जाएगा. 54 को यू कैन राइट डाउन एज 9 into 6. अब देखो 9 जो है जब रूट से बाहर आएगा दिस विल बी 3. 6 पेयर है रूट से बाहर आके सिंगल टाइम लिखा जाएगा. 24 पेयर है रूट से बाहर आके सिंगल टाइम. सो दिस इज 18 इंटू 24, 432 मीटर स्क्वायर. 432 मीटर स्क्वायर. अब ये एक ट्राइंगल का एरिया आया है तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस. Twice of area of triangle ABD, so twice of 432. meter square. So area grazed by 18 cows. काउस ग्रेस कर रही हैं 864 मीटर स्क्वायर. तो 1 काउ के लिए क्या करोगे आप इसको डिवाइड करो. सो दिस इज 48 मीटर स्क्वायर. एरिया है तो 48 मीटर स्क्वायर. यानी कि एरिया ग्रेस्ड बाय 1 काउ इज 48 मीटर स्क्वायर. दोबारा देख लो इसको. हमें उसने कहा कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड गिवन है जिसको 18 काउस जो है वो ग्रेज करती हैं.
रोम्बस की जो है साइड्स हमें गिवन है, डायगनल हमें गिवन है, तो जब हमने साइड्स और डायगनल्स लिए तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गई जो बिल्कुल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से। हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए उसका डबल कर दिया, फिर 18 काउस जो है वो इतना अगर एरिया ग्रेज कर रही है तो 1 काउ का निकालने के लिए डिवाइड दिस टोटल एरिया ऑफ द रोम्बस बाय नंबर ऑफ काउस एंड यू विल गेट द आंसर। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। अब अम्ब्रेला आपको गिवन है, उसमें स्टिचिंग जो है क्लोथ्स की गई और जो क्लोथ्स उसमें लिए गए दे आर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। जो आपकी बुक में आपको एक कलर शेड करके दिखाया गया है और दूसरा कलर जो है वो अनशेडेड है। सो ये शेडेड हो गया आपका, देन अगला अनशेडेड, फिर ये शेडेड, अगला अनशेडेड, यानी कि एक कलर फिर दूसरा कलर फिर पहला कलर फिर दूसरा कलर एंड सो ऑन। ये फ्रंट पोर्शन जो है उसका दिखाया गया है। इसमें अब वो क्या कह रहा है कि 10 ट्राइंगुलर पीसेस हैं इस तरीके से, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर। अब ये ट्राइंगुलर रीजन आपका एक ट्राइंगल बन रहा है विद दिस साइड एज 20 सेंटीमीटर एंड दीज टू साइड्स एज 50 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो कितना जो है क्लोथ रिक्वायर्ड है हर कलर के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगुलर रीजन का एरिया निकाल लेंगे, दोनों कलर्स के लिए जो ट्राइंगुलर रीजन है वो सेम है, तो इट मींस दोनों कलर्स के लिए जो एरिया बनेगा दैट विल बी सेम, वो सेम आएगा। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसके बाद टोटल जो है आपके 10 ट्राइंगुलर पीसेस थे जिसमें से 5 इस कलर के हैं 5 इस कलर के हैं, तो जो एक ट्राइंगल का आपका एरिया आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट कलर का एरिया आ जाएगा कि फर्स्ट कलर के लिए इतना क्लोथ चाहिए। अगेन सेम वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर दिस सेकेंड रीजन। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पहला क्लोथ का आपका रिक्वायरमेंट आएगी सेम विल बी द रिक्वायरमेंट फॉर द सेकेंड क्लोथ, क्योंकि 5 ही रीजन बन रहे हैं और सेम लेंथ ऑफ जो सेम डायमेंशन है ट्राइंगुलर रीजन की दैट इज गिवन टू यू। So find out the area. For finding out the area, you are to calculate. You are to use the Heron's formula. Calculate करो इसको जल्दी से और बताओ मुझे. Sides of one triangular piece. Fifty and 20. अब इसका एरिया निकाल लो, नेम दे देना इसको बिशप ए बी सी डी, या वैसे ही आप लिख सकते हो एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर रीजन। ए हमें गिवन है 50, बी मैंने मान लिया 50 एंड सी आल्सो 20 गिवन है। सो सेमी पेरीमीटर 50 + 50 plus 20 by 2, that is 60. Now find out the area. 60 into 60 minus 50, 60 minus 50, 60 minus 20. अब ये कैलकुलेट कर लो और एरिया जल्दी से बताओ मुझे कितना आ रहा है, बी क्विक। रूट में आएगा ये आपका,
1, 2, 3, 4 जीरोज हैं, रूट से बाहर आके 4 की जगह 2 जीरोज रह जाएंगी। यस अर्शप्रीत, 200 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 root 6, वेरी गुड। ये 4 जीरोज की जगह 2 जीरोज रह गई, 4 का जब आप रूट से बाहर लेके आओगे दैट इज 2, 6 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज 200 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर रीजन आ गया, सो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ 5 ट्राइंगुलर पीसेस, तो 5 से मल्टीप्लाई करें। Root 6 into 5 that is 1000 root 6 centimeter square area of 5 triangular pieces of other color, your second color you can write down is also 1000 root 6 centimeter square. So, उसने यही आपसे पूछा था हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, सो दिस मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो 1000 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर for the umbrella. So this is your question number 6. So I hope this one is clear. Ab question number aapka jo 8 hai that you will do in your homework part along with question number 2, 4, 6 आपने होमवर्क पार्ट में करने हैं, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। देखो जो आपको यहाँ पे फ्लोरल डिजाइन गिवन है उसमें एक पेटल जो इसकी बन रही है, अगर मैं इसको फ्लावर शेप में देखूं तो दैट इज फॉर्म्ड बाय दीज टू ट्रायंगल्स, एक ट्राइंगल ये बन रही है इससे और एक ट्राइंगल ये बन रही है। इसकी जो साइड्स हमें गिवन है दैट आर गिवन टू बी 9, 28 एंड 35, तो आप क्या करोगे इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, उसके बाद क्या करने हैं आपको उसको जो है अपनी 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि 16 टाइल्स हमें गिवन है विच आर ट्राइंगुलर, तो एक पेटल जो है वो दो टाइल्स से आपकी बन रही है, तो 9, 21 एंड 28 एंड 35, एक निकाल लिया आपने ट्राइंगल 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो आपका एरिया आएगा उसको आपने इससे 50 पैसे है ये ध्यान रखना, तो 0.50 से आप क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट विल बी योर आंसर। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। Okay, fine. Then I'm ending the meeting. Thank you. Have a nice day. Your homework parts are 2, 4, 6, and 8. Thank you.